मकान का बड़ा ओके okay. चलो आज अपना एग्जांपल नंबर 9 है माही और राही। 6:4 के प्रमाण में लाभान्वित बांटने वाले साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के रोज की सकल तलपट और समायोजन परिषद साझेदारी पीढ़ी के वार्षिक हिस्सा अपने को यहाँ तैयार करने हैं। ठीक है, रेड पेन है, यह हमको सकल तलपट दी हुई है, उसकी जमा बाकी है एक साइड में और दूसरी साइड में हमारे पास में उधार बाकी दी हुई है। उसके बाद में कुछ समायोजन यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या करना है, इन समायोजनों को टिक मार्क करना है, तो वो कर लेते हैं पेंसिल। तो समायोजनों को टिक मार्क करेंगे तो पहला नंबर पे है पूंजी और आहरण। साझेदारों की पूंजी पर 12% और आहरण पर 5% की दर से ब्याज गिनना है। तो पूंजी ये रहा और आहरण ये रहा, दोनों आमने सामने ही हैं, तो दोनों को हम यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। उसके बाद में है माही को बिक्री पर कमीशन देना है, तो इसमें कोई टिक मार्क होगा नहीं, साझेदार से संबंधित है इसके लिए। राही को प्रतिमास धंधा के उसे मुसाफरी कर, तो मुसाफरी कर से देखो यहाँ टिक किया और राही का टिक मार्क करना है उसमें से भी, सिर्फ 3 नंबर मुसाफरी का टिक मार्क तो करना, लेकिन कौन सा, सिर्फ राही का। उसके बाद में मित्र से उधार ली लोन पर ब्याज चुकाना बाकी है, तो मित्र से उधार ली लोन का है हमारे पास, ये रही देखो जमा बाकी में है, उसको हम 4 नंबर टिक मार्क करेंगे। दुकान भाड़ा 30/4/2017 तक का 12 मास का है, तो दुकान भाड़ा को हम टिक मार्क करेंगे 5वां नंबर, तो दुकान भाड़ा ये रहा। उसके साथ में देखो कहीं पूर्व देते दुकान भाड़ा और है डेट के साथ में, उसको भी टिक मार्क करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है स्थायी संपत्ति पर घिसाई गिननी है, तो स्थायी संपत्ति हमारे पास ये रही 6 नंबर का टिक मार्क, उसको करेंगे। नीचे से 4th नंबर है। उसके बाद में देनदार पैसे वसूल नहीं हो सके ऐसी शंका है, यानी डूबत ऋण अनामत है, तो डूबत ऋण डूबत अनामत देनदार इनको टिक मार्क करना है। तो देनदार यहाँ पर ग्राहक के नाम से होगा या तो देनदार होगा डायरेक्टली। 7 नंबर हमारे पास में यहाँ है, फिर डूबत अनामत है कहीं, कोई नहीं है। अंतिम स्टॉक कहीं टिक मार्क होता नहीं है। ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी हमने यहाँ सब टिक मार्क कर लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समायोजनों के बाद में इनकी जो बाकी दी है उनको हम अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए हम कौन कौन से ज़रूरी खाते हैं वो देख लेते हैं। व्यापार खाता, लाभानी खाता, लाभानी वितरण खाता, पूंजी खाता और पक्की तलपट हमारी रेडी है। एक एक करके अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है। तो पहला नंबर अपना कौन सा आएगा, देखो जमा बाकी है, जमा बाकी हमको लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, पूंजी खाता। तो पूंजी खाता हम कहाँ लिखते हैं, पूंजी खाते के अंदर लिखते हैं। देखो पूंजी खाता हमने यहाँ बनाया हुआ है, ये रहा पूंजी खाता, उसमें लिखेंगे शेष आगे लाए जमा साइड में, क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए जमा साइड में। रकम हमको दी हुई है यहाँ पर कितनी है, 20,000 और 12,500, दोनों की पूंजी, तो लिखेंगे 20,000 और 12,500। ठीक है, नेक्स्ट बिक्री दी है, ये कहाँ आएगी हमारी, व्यापार खाते के जमा में, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, बिक्री। रकम कितनी दी हुई बिक्री की, 2 लाख है, तो हम 2 लाख यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ है खरीद वापसी, वो खरीदी में से माइनस, खरीदी उधार साइड में व्यापार खाते के खरीदी में से माइनस होगी, खरीद वापसी है। ओके, तो बिक्री खरीद वापसी है वो हमारा क्या होगा, खरीदी में से माइनस होगा व्यापार खाते के उधार साइड में, तो ये हमारे उधार साइड है, वहाँ हम लिखेंगे खरीद वापसी। रकम कितनी है वो हम किताब में देखते हैं, 1250 है, तो 1250 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में हमको क्या दिया हुआ है, बट्टा और कसर 1250 रुपये, तो बट्टा और कसर ये कहाँ आएगा, लाभानी के जमा में, क्योंकि ये प्राप्त तो बट्टा है, जमा बाकी है। रकम कितनी है, 1250 है, कोई टिक मार्क नहीं है, इसके लिए हम सीधा बाहर के कॉलम में लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हमको दिया हुआ है एसबीआई शेयर का डिविडेंड, डिविडेंड हमारे लाभ है,
यहीं लिखेंगे 50 रुपये। हाँ मेरे को 15 रुपये मिला था कंपनी ने, 1 शेयर पे 1 दिया था, मेरे 15 शेयर थे तो 15 मिला था, ये 50 रुपये मिला इसको। SBI वाले जल्दी से डिविडेंड नहीं देते, सरकारी है ना, SBI शेयर के डिविडेंड। उसके बाद में बैंक खाता, ये कहाँ आता है? बैंक खाता है BOD मानकर, इसको यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि जमा बाकी दी हुई है हमको। कुछ बोल रहे जमा शेष दी होती तो सर एक ही बात है, यहीं आता, अगर जमा में दिया है तो सब कुछ यहीं होगा, बैंक से रिलेटेड है, जमा में दिया तो BOD ही माना जाएगा इसको, चाहे बैंक खाता, चाहे बैंक शेष, चाहे बैंक बाकी। उसके बाद में बैंक सिलेक्ट बोले तो भी लेनदार उधर ही, कोई टिक मार्क है तो अंदर ही रखते हैं, बाहर ही रखते हैं इसको। 1250 मित्र से उधार ली लोन, खाते सर दी लोन, मित्र से उधार ली लोन कितनी है? 2500 है, इसका ब्याज आएगा हम बाद में करेंगे, समय जो है उसके लिए, ठीक है। जमा साइड हमारी अब देखो सारी पूरी हो चुकी है, अब हम चलते हैं उधार साइड की तरफ। कहाँ चलेंगे अब हम? उधार साइड की तरफ हम चलेंगे, तो उधार में क्या क्या चीज़ दी हुई है वो भी देखेंगे। तो उधार में हमको यहाँ पे दिया होगा सबसे पहले आहरण, आहरण कहाँ आता है हमारा चेतन? पूंजी खाते के उधार में आहरण खाता कितना है रकम? तो देखो किताब में लिखा हुआ है ये 3000 और 2000 यहाँ पर, आहरण माही और राही दोनों का, 3000 माही का, 2000 राही का, ठीक है। उसके बाद आगे हमको क्या दिया हुआ है? प्रारंभ स्टॉक व्यापार खाते के, तो यहाँ पे हमने जगह छोड़ी हुई है उसकी, प्रारंभ स्टॉक यहाँ आएगा कितना है? 1750, तो लिखेंगे यहाँ पर 1750। उसके बाद में हमको लिखा हुआ है यहाँ पर खरीदी 138750, 1,38,750, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर? मुसाफरी खर्च, उसमें दो लोग हैं, एक राही और एक सेल्समैन, तो राही का मुसाफरी खर्च, उसके अलावा नहीं, वितरण खाते में साझेदार से संबंधित सारी जानकारी हमारे यहीं पर लिखी जाती है, इसके लिए यहाँ लिखेंगे हम मुसाफरी खर्च, किसका? राही का। तो कितनी रकम दी हुई है वो भी हमें देख लेते हैं, 3000 रुपये टिक मार्क किया हुआ है इसलिए मैं अंदर की साइड लिख रहा हूँ। उसके बाद में सेल्समैन का मुसाफरी खर्च, वो हमारे लाभानि खाते के उधार में आता है, ये बिक्री वितरण खर्च है हमारा इसके लिए। सेल्समैन का मुसाफरी खर्च, ओके। रकम कितनी है इसकी तो वो भी हम देख लेते हैं, 5250 है। उसके बाद में वेतन लिखा हुआ है, लेखपाल और वसूलीकार दोनों का वेतन यहीं पर ही आता है, चाहो तो दोनों को प्लस करके लिख सकते हो, चाहो तो अलग अलग शो कर सकते हो। लेखपाल यानी अकाउंटेंट, और दूसरा है हमारा वसूली क्लर्क, कलेक्शन क्लर्क, ओके। रकम कितनी दोनों की? 2500 और 1250 दी हुई है, तो हम वो लिखेंगे 2500 और 1250। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? दुकान भाड़ा, ये कहाँ आता है? यहीं पर आएगा दुकान भाड़ा, टिक मार के 2 लाइन छोड़ देंगे, 900 है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में देनदार संपत्ति, संपत्ति है तो ये कहाँ आएगा? पक्की तलपट के अंदर संपत्ति में क्या लिखेंगे? देनदार। रकम कितनी है? 5000। नेक्स्ट लारी व्यापार खाता, माल लिखा है इसके लिए व्यापार खाते में, अगर माल नहीं लिखा होता तो लाभानि खाते में, ठीक है। कितना है? 7500। विज्ञापन खर्च कहाँ आएगा? विज्ञापन खर्च यहीं आएगा। कितना है? 10000। बाहर निकालते डायरेक्टली, कोई एंट्री नहीं है, कोई टिक मार्क नहीं है इसके लिए। पूर्व दत्त, उसके बाद में लिखा पूर्व दत्त दुकान भाड़ा, पिछली साल का 1/4/2016, यानी कौन सी साल हुई है? पिछली साल के शुरुआत, तो हम यहाँ लिखेंगे दुकान भाड़ा अगर पिछली साल का है, पूर्व दत्त है वो भी कैसा है?
पूर्व दत्त अगर चालू साल का हो तो माइनस करते हैं, पूर्व दत्त यानी क्या होता है अग्रिम, और गई साल का हो तो गत वर्ष का हो तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस पूर्व दत्त भाड़ा। मैं समझा नहीं सकता, पूर्व दत्त दुकान भाड़ा क्या होता है अगर चालू साल का होता है करंट ईयर का, तो हम उसको क्या करते हैं यहाँ से माइनस करते हैं, वो भी समय जन्म होता तब। लेकिन ये तो हमको क्या पूर्व दत्त भाड़ा दिया है, लेकिन कौन सी साल का है, पिछले साल का है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। लिखना हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो गत वर्ष ब्रैकेट में 75 रुपये, ठीक है, समय जन्म जब आएगा तब कम तब देखेंगे। बट्टा और कसर कहाँ आएगा, यहीं पर आएगा बट्टा और कसर उधार में, इसलिए यहाँ पर उधार में लिखेंगे लाभानी खाते के उधार में, ठीक है। कितना है 4,250, यस और नो। नेक्स्ट धर्मादा खर्च ये कहाँ आता है, धर्मादा खर्च 10,000 का दान किया तो दान यानी कि धर्मादा खर्च। उसके बाद आयकर, सब कर यहीं पे आते हैं, आयकर कितना 12,500, व्यवसाय कर 125, व्यवसाय कर लाभानी खाते के उधार में ही आएगा 125। उसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज, पक्का बीओडी का ब्याज कितना है 6,000, बैंक कमीशन कहाँ आएगा 250, यहीं पर आएगा। एसबीआई के शेयर, एसबीआई के शेयर विनियोग है ये हमारा, इसलिए यहीं पर आएगा शेयर में विनियोग जिसको बोलते हैं हम। ये कितना है 500 रुपये के शेयर लिए थे। स्थाई संपत्ति यहीं पर आएगी 1,250, कितना है 1,250, टिक मार्क किया हुआ है। मरम्मत खर्च कहाँ आएगा, प्लस नहीं होगा, ध्यान रखना। स्थाई संपत्ति पर मरम्मत खर्च 500, उसके बाद में रोकड़ शेष दी हुई है कितनी, रोकड़ शेष 450। ख्याति संपत्ति हमारी दृश्य अदृश्य संपत्ति ख्याति 25,000 दी है, तो यही लिखेंगे। देखो हमारे सारे जो बाकियाँ दी हुई थी वो हमने एक एक करके यहाँ से सब के सब लिख दी हैं, किताब में मैच कर लेना है। अब हमारी बारी आती है किसकी, समायोजनों की, तो समायोजनों को एक एक करके हम यहाँ पर असर देंगे, ठीक है। सबसे पहले समायोजन हमारा साझेदारों की पूंजी पर 12% और आहरण पर 5% की दर से ब्याज गिनना है। तो पहले हम पूंजी खाते पर पहुँचते हैं, वहाँ हमको पूंजी मिलेगी और आहरण भी वहीं के वहीं मिल जाएगा। पूंजी पर हमारा 12% का ब्याज, तो लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, ये हम रेड पेन से लिख रहे हैं 2400, और इधर हम करेंगे तो कितना आएगा 12% 1500। इसकी दूसरी असर होगी यहाँ पर सामने, क्या लिखेंगे पूंजी पर ब्याज माही राही 2400 1500, ठीक है। आहरण पर 5% की दर से ब्याज है, आहरण पर ब्याज 5% तो 150 और 100, यहाँ पर ये उधार तो यहाँ पर क्या होगा जमा, क्या लिखेंगे आहरण पर ब्याज माही राही 150 100 250। उसके बाद में नेक्स्ट समायोजन हमारा क्या, वो भी हम देखते हैं। माही को बिक्री पर 3% कमीशन देना है, तो पहले हम यहाँ के देंगे कमीशन, किसको देना है माही को, किस पर देना, बिक्री पर, तो बिक्री हमारी कितनी है 2,00,000, उसका 3% देना है, तो 2,00,000 × 3% 6,000, तो यहाँ 6,000। इसकी दूसरी असर होगी हमारी यहाँ पर कमीशन, कितना माही को 6,000, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट समायोजन, दोनों असर हमने दे दिए उसकी
राही को प्रति मास मुसाफरी कर देना है 300 रुपये प्रति मास, तो एक साल का कितना होगा 12 महीने का, एक महीने का 300, तो एक साल का कितना हुआ 3600 हुआ, उसमें से 3000 तुमने पहले से चुका दिया है, बाकी कितना रहा 600 रुपए, क्या लिखेंगे चुकाना बाकी, क्या लिखेंगे चुकाना बाकी, ठीक है। तो ये कहाँ आएगा हमारा चुकाना बाकी मुसाफरी खर्च, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो और चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि ये किसका है हमारे पास में साझेदार का है, तो यहाँ भी लिख सकते हो, पर चुकाना बाकी है हमारे लिए, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ लिखूँ चुकाना बाकी मुसाफरी खर्च कितना है 600, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, मित्र से उधार ले लो 50 रुपये, देखो मुसाफरी खर्च लोगों ने पूंजी में लिखा है, चलो नेक्स्ट क्या है, मित्र से उधार लोन पर 50 रुपये ब्याज चुकाना बाकी है, तो मित्र की लोन पर चुकाना बाकी ब्याज, चुकाना बाकी कहीं भी लिख दो लोन का ब्याज, ठीक है, कितना है 50। दूसरी असर कहाँ होगी इसकी, लाभानी खाते में क्या लिखेंगे चुकाना बाकी लोन का ब्याज, क्या लिखेंगे चुकाना बाकी कितना 50। दूसरी असर इसकी हम देंगे तो कहाँ आएगी आगे, सॉरी दुकान भाड़ा है वो 30/4/2017 तक का 12 मास का है, 30/4/2017 हमारा साल कब पूरा होता है 31/3 को, और ये जो भाड़ा चुकाया हुआ है कब तक है 30/4/2000, कितने महीने का अग्रिम चुकाया हुआ है, कितने महीने का अग्रिम चुकाया हमने एक महीना, दिख रहा 3 और 4, ये तीसरा महीने की 6 तारीख, ये चौथे महीने की 6 तारीख, यानी एक महीना, ठीक है। तो 12 महीने का हमको भाड़ा पता है कितना है 900, कहाँ है 900. तो देखो लिखा हुआ है 900 रुपये दुकान भाड़ा, कितने का है ये 12 महीने का होता है, तो 12 महीने का इतना है, तो एक महीने का कितना है 75 रुपये, तो उसको हम क्या बोलेंगे अग्रिम चुकाया दुकान भाड़ा, पूर्व दत्त दुकान भाड़ा उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं पूर्व दत्त, तो लिखेंगे पूर्व दत्त दुकान भाड़ा, संपत्ति में आता है कौन सा चालू वर्ष का है ये, ठीक है 75 रुपये आया। इसकी दूसरी असर कहाँ होती है, यहाँ पर माइनस होता है, दुकान भाड़ा का होता है चालू वर्ष का पूर्व दत्त माइनस होता है, अग्रिम अग्रिम माइनस, याद आया था चल भाई पूर्व दत्त चालू वर्ष का, ठीक है कितना 75 माइनस करेंगे तो वही 900 का 900 आ जाएगा, पिछले साल का अग्रिम चुकाया हुआ माइनस चालू वर्ष का अग्रिम चुकाया माइनस करेंगे तो वही की वही रकम 12 आ जाएगी। दूसरी असर हमने इसकी संपत्ति में दे दी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ लिखा हुआ स्थायी संपत्ति पर 20% की दर से घिसाई गिनो, तो स्थायी संपत्ति ये रही उसका 20% 250 रुपये, माइनस करेंगे 1250 रुपये घिसाई गिनेंगे, बाहर कितना आएगा 1000। दूसरी असर इसकी कहाँ होगी, लाभानी खाते के उधार में क्या लिखेंगे स्थायी संपत्ति पर घिसाई, स्थायी संपत्ति पर कितना है 250। ये हमारा समायोजन पूरा हो गया, दोनों असर एक यहाँ पर और दूसरी लाभानी खाते के उधार में। नेक्स्ट, देनदारों में से 250 वसूल नहीं हो सकेंगे ऐसी शंका है, यानी कि डूबत अनामत, शंकास्पद डूबत ऋण जिसको बोलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डूबत अनामत कितनी है 250, तो माइनस बाहर निकालेंगे 4750 आएगा, ठीक है। इसकी दूसरी असर होगी हमारे पास यहाँ पर डूबत अनामत या तो शंकास्पद अनामत कितना है 250, तो एक एंट्री यहाँ आ गई, इसको पूरी फैमिली के साथ नहीं लिखा क्योंकि अकेला है तो उनको फालतू में लिखने से कोई मतलब नहीं है, डूबत अनामत की एक असर ये रही और दूसरी ये रही। आगे चलते हैं हम इसको अंतिम स्टॉक, उसकी एक असर हमारी व्यापार खाते के जमा में होती है और दूसरी असर कहाँ होती है संपत्ति पक्ष में, तो यहाँ लिखेंगे अंतिम स्टॉक 19025 दिया हुआ है, 19025 एक असर ये रही। दूसरी हम लिखेंगे इसकी संपत्ति में अंतिम स्टॉक 1925। देखो ये अपने मुसाफरी खर्च का है,
ये अगर साझेदार का है तो हम इसको बुक वालों के हिसाब से चलना है तो यहाँ लिख देना ज़्यादा बेटर रहेगा, फिर तो नहीं तो काटना पड़ेगा ना? नहीं फिर अब एक जगह से काटना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो भी हो जाएगा अपना, सही है। आगे 2 लाख रुपये को हम बाहर ले जाएंगे अब, ठीक है, इसको भी बाहर लेके जाएंगे तो 1,37,538 है। तो टोटल किया इधर आया, इसका टोटल करेंगे 2,19,025। माइनस करेंगे इस साइड से हम, माइनस डिफरेंस निकालेंगे, हमारे पास कितना आएगा 72,275। सकल लाभ क्या लिखते हैं उसके नीचे, लाभ हानि खाते ले गए देवांशु। हाँ सर, शांति शांति, लाभ हानि खाते ले गए, ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ। अब इसको हम कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते में हम लिखेंगे सकल लाभ, कहाँ से लाए हम, व्यापार खाते से लाए, तो व्यापार खाते से लाए। कितनी रकम है 72,275, टोटल करो साइड का 73,500, उसमें से इन सबको ऊपर जो है उनको माइनस करो 1,250। यहाँ जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे शुद्ध लाभ, लाभ हानि वितरण खाते लेके लिखेंगे। जो डिफरेंस आता है हम यहाँ लिखते हैं, और ये डिफरेंस को हम कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि वितरण खाते, कहाँ लेके जाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, शुद्ध लाभ। कितना है 19,750 हो रहा है टोटल, दोनों साइड ये लिखने के बाद डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे इसको, ये हमारा आएगा वितरण पात्र लाभ। सवाल की शुरुआत में ही हमारे लिखा हुआ था इसको 6:4 में बांटना है, 6,250 को 6:4 में बांटेंगे, 3,750 और 2,500 और 2,500 3,750 और 2,500 आएगा माही और राही, ठीक है, अनुपात इनका कितना है 6:4 है, ध्यान रखना हमको। फिर ये कहाँ लिखेंगे यहाँ पर 3,750 और 2,500, क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ, लाभ यानी वितरण खाते से लाए। अब इनका टोटल करेंगे दोनों साइड का 16,500, उसमें से 2,100 जाएगा 14,400, इस साइड का टोटल करेंगे 32,150, में से 3,150 जाएगा 29,000, ये हमारा कहाँ जाएगा, शेष आगे ले गए, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, शेष आगे ले गए, ये शेष को हम कहाँ लेके जाएंगे, पूंजी खाते में, तो यहाँ लिखेंगे सॉरी पक्की तलपट में पूंजी के अंदर माही और राही 29,000 और 14,400, टोटल करेंगे इस साइड का 43,400, टोटल पूरे का करेंगे
50,800। इन दोनों साइड का टोटल हमारा आएगा 50,800। ठीक है, तो 50,800 का दोनों साइड का टोटल हमारा आ जाता है, तो ये सम पूरा राइट है ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, बोलो एनी डिफिकल्टी?